रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और जन्नत के दरवाजे ओपन हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब मेराज में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिला, आपने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना और बताना कि जन्नत की मट्टी पाकिजा, पानी मीठे और ज़मीन हमवार है। इसकी काश सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जिस्म और रूह दोनों के साथ मेराज हुई और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानियत के खैरख्वाह हैं और बतौर खास उम्मत मुहम्मदिया से सब ही प्यार करते हैं। सिफत अंबिया के एम फर्द अबू अल-अंबिया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत पर शफ़क़त फरमाते हुए इन्हें सलाम भी भेजा और जन्नत का रास्ता भी बतलाया। जन्नत बरहक है, मौजूद है, हमें इसकी शौक भी रखनी चाहिए और इसमें अपने दाखिले को मुमकिन बनाने के लिए नेक आमाल और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगते रहना चाहिए।